मैं मनीष कुमार शर्मा, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स, आदर्श विद्या मंदिर नगर की ओर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्याय 3 मैट्रिक्स के बारे में चर्चाएं की है, उसमें सिर्फ हमने थ्योरेटिकल पार्ट को ही देखा है। इसी तरह हम अध्याय 4 सारणिक अर्थात डिटरमिनेंट्स को आज शुरू कर रहे हैं और इसके थ्योरेटिकल पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सारणिक क्या होता है? ये जो है ये सारणिक का प्रतीक चिन्ह है। जैसा कि मैंने आपको आपव्यू में बताया था, आपव्यू के 3 प्रतीक चिन्ह बताए थे, वहां पर इस चिन्ह की भी चर्चाएं हमने कर ली थी। वो इस तरह था, वहां पर ये जो चिन्ह आप देख रहे हो ये आपव्यू का है, सारणिक का नहीं। इसी में से हमने ये इस तरह हटा दे, यहां से ये हमारा सारणिक का चिन्ह बन जाता है। ये जो कोई सारणिक है हम इसको इस तरह व्यक्त कर देते हैं, जैसे डेल्टा, डेल्टा जो है ये भी सारणिक का ही प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे मैंने इसको अभी लिख दिए, सारणिक को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, एक तो डेल्टा से ये भी सारणिक का प्रतीक चिन्ह होता है, इसको हम इस तरह यहां से गहरा करेंगे। एक हम इस तरह लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट्स ए अर्थात सारणिक ए। एक हम इस तरह भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, सारणिक ए या ए का सारणिक। जैसे कोई एग्जांपल यहां पर लेते हैं, ए बी सी डी। सारणिक जो होता है इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, विशेष तौर से ये आपव्यू से ही सारणिक बनाया गया है। आपव्यू जो होते हैं उनमें तो कोई भी कोटि हो सकती है, लेकिन सारणिक में कोटियां फिक्स है। कैसे फिक्स है? सिर्फ वर्ग आपव्यू के ही सारणिक संभव है और किसी कोटि के आपव्यू के सारणिक संभव नहीं। अब वर्ग आपव्यू क्या होता है? जैसा कि हम पिछली क्लास में वर्ग आपव्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ग आपव्यू क्या होता है कि कोई ऐसा आपव्यू इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, वर्ग आपव्यू कहलाता है। पंक्ति और स्तंभ अर्थात इसमें पंक्ति भी दो है तो स्तंभ भी दो होने चाहिए, पंक्ति 3 है स्तंभ भी 3 होने चाहिए, पंक्ति 1 है स्तंभ भी 1 होना चाहिए। ऐसे ही आपव्यूओं के सारणिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। सिर्फ वर्ग आपव्यू के सारणिक होते हैं और किसी के सारणिक नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विकर्ण जो बनता है, विकर्ण सिर्फ वर्ग आपव्यू में ही बन सकता है और किसी आपव्यू में विकर्ण बनाना संभव नहीं। इसी वजह से वर्ग आपव्यू के ही सारणिक संभव है। अब इसमें पॉइंट आता है, प्रथम कोटि के वर्ग आपव्यू का सारणिक, द्वितीय कोटि के वर्ग आपव्यू का सारणिक, तृतीय कोटि के वर्ग आपव्यू का सारणिक, ऐसे होने को तो 4 कोटि के भी, 5 कोटि के, लगातार ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो कोर्स है उसमें सिर्फ 3 कोटि के वर्ग आपव्यू तक ही सीमित है, तो हम 3 कोटि के वर्ग आपव्यू के सारणिकों के बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। देखें आप आगे, ये जो आप देख रहे हैं ये 1/1 कोटि का सारणिक है, ये 2/2 कोटि का सारणिक है, ये 3/3 कोटि का सारणिक। 1/1 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 2/2 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 3/3 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपव्यू भी इस तरह होते थे लेकिन आपव्यू का कोई मान नहीं होता है, ये भी एक सवाल बन जाता है। सिर्फ सारणिक के ही मान निकालना समय, सारणिक का जो होता है सारणिक का मान कोई निश्चित संख्या या कोई राशि प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि हम 1/1 कोटि के सारणिक को देखते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इस तरह जैसे आपको दे दिया, इसका मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है, जैसे आपको इस तरह दे दिया इसका मान क्या प्राप्त होगा, तो 1/1 कोटि के सारणिक में विशेष बात क्या होती है कि जो जैसा अभिया उसमें लिखा होता है वही उसका मान प्राप्त होता है। जैसे इसमें इसका मान ए होगा, इसका मान 4 होगा, ऐसे इसका मान
कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/140 के सारणिक में आप ध्यान रखें जो अभी अब सारणिक के अंदर लिखा हुआ है वही उसका मान प्राप्त। ठीक है, तो 1/140 में जो अभी अब है वही उस सारणिक का मान होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं 2/240 के सारणिक पर। 2/240 के सारणिक का मान हम किस तरह ज्ञात करेंगे? ये जो आप विकर्ण देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण अर्थात अग्रक विकर्ण अर्थात आगे वाला विकर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? पश्य विकर्ण अर्थात पीछे वाला विकर्ण। तो हम क्या करते हैं, अग्रक विकर्ण के गुणनफल में से पश्य विकर्ण के गुणनफल को घटा देते हैं तो 2/240 के सारणिक का मान ज्ञात हो जाता है। दोबारा सुनेंगे, 2/240 के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं? अग्रक विकर्ण के गुणनफल में से पश्य विकर्ण के गुणनफल को घटा देते हैं तो 2/240 के सारणिक का मान ज्ञात हो जाता है। जैसे आप देखिए, एक का गुणा कराएंगे 4 से, कितना आ गया 4। 3 का गुणा कराएंगे 2 से, कितना आ गया 6। अब मुख्य विकर्ण के गुणनफल में से पश्य विकर्ण के गुणनफल को घटाना है, 4-6 बराबर कितना बचा? -2। तो इस 2/240 के सारणिक का मान कितना हुआ? -2। ठीक है, ये दोनों दोबारा सुन ले। 1/140 में क्या करना है? जैसा अभी अब लिखा हुआ है वही उसका मान है। 2/240 में क्या करना है? आगे वाले विकर्ण के गुणनफल में से पीछे वाले विकर्ण के गुणनफल को घटा देना है, जो बचता है वो उसका। अब इसमें हम सीखने जा रहे हैं 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना, जो कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसको आप ध्यान से सीखेंगे, इसी में बच्चे अक्सर गलतियां कराते हैं, इसको मैं आपको सिखाता हूं। 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करना हम सीखते हैं। इसमें क्या आपको चिन्हों का भी ध्यान रखना है, किस तरह से ये जो मैं चिन्ह बना रहा हूं ये आप ध्यान रखेंगे, ये 3/3 के लिए काम में आते हैं। एक अंतर से ये चिन्ह होते हैं, कहीं से भी आप देख लें इसको, प्लस माइनस कहीं से भी स्टार्ट कर दो, प्लस माइनस अर्थात एक अंतर के बाद ये चिन्ह होते हैं। ये 3/3 कोटि की सारणिक के लिए चिन्ह है। 9 चिन्ह हो गए, 9 अवयव हो गए, एक एक चिन्ह एक एक अवयव का होता है। ये कब काम आते हैं? हमें जब 3/3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात कर रहे होते हैं तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ से हम उसका मान ज्ञात करते हैं उसी पंक्ति उसी स्तंभ के आगे ये चिन्ह हमें लगाने होते हैं। किस तरह से? जैसे हम फर्स्ट पंक्ति से सारणिक का मान ज्ञात करना चाहते हैं इस पंक्ति से, तो इस पंक्ति से भी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो ये वाले चिन्ह काम आएंगे, फर्स्ट पंक्ति वाले। सेकंड पंक्ति से करेंगे तो सेकंड पंक्ति के चिन्ह काम आएंगे। इसी तरह हम मान लो फर्स्ट स्तंभ से करेंगे तो फर्स्ट स्तंभ वाले चिन्ह काम आएंगे। ठीक है, तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ से आप सारणिक का मान ज्ञात करते हो उसी पंक्ति उसी स्तंभ के चिन्ह आपको लेने पड़ेंगे। किस तरह वो आप समझेंगे यहां से। अब इस सारणिक के अंदर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, अर्थात हम इस सारणिक का मान 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से। कौन कौन से? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। हम इस सारणिक का मान 3 पंक्ति और 3 स्तंभ 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और 6 तरीके से इसका जो मान आएगा वो 1 ही आना चाहिए, तब तो आपके सही है वरना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट पंक्ति से सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। यहां पर लिख देते हैं इस तरह से कि R1 के अनुदिश सारणिक का प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर या प्रसार करने पर एक ही बात होती है, या कराने पर। देखें आप, जैसे फर्स्ट पंक्ति से कर रहे हैं हम सारणिक का मान क्या, तो इसमें फर्स्ट पंक्ति के ही चिन्ह आपको काम में लेने। ठीक है, कैसे? इसके आगे चिन्ह देखेंगे आप, अष्ट अवयव का कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। प्लस का चिन्ह तो आप लगाओ चाहे, मतलब अगर किसी अवयव के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है। जैसे मैंने 1 को लिख दिया, अब हम मान कैसे ज्ञात करते हैं?
जिस पंक्ति के अवयव को हमने लिखा है या जिस स्तंभ के अवयव को हमने लिखा है उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। किस तरह से? जैसे ये वन है तो इस वन की पंक्ति कौन सी है? ये इस वन का स्तंभ कौन सा है? ये तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटा दो, फिर आपको क्या दिखता है? इसमें देखें आप, जैसे मैं इनको दबा देता हूं इस तरह से, अब आपको क्या दिख रहा है? दो एक एक दो, इस तरह के सारणी को आप यहां उठा लें, दो एक एक दो, ठीक है। नेक्स्ट अवयव क्या है? हम R1 के अनुदिश सारणी का प्रसरण कर रहे हैं, तो हम पहली पंक्ति के अवयव भी काम में लेंगे। दूसरा अवयव क्या है? दो, दो के आगे चिन्ह देखेंगे आप, यहां से किसका आएगा? माइनस का, तो यहां लिख देंगे माइनस और ये दो का। ध्यान से सीखेंगे आप इसको, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, अगर आपको सारणिक का मान आ जाता है तो आप 80% इस चैप्टर को सीख जाएंगे, फिर तो कुछ नहीं है इधर उधर मान करने में। साहब देखिए ना, बच्चों की बहुत मांग हो रही थी कि सर चौथे चैप्टर की वीडियोज भी डालें, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट की पूरी वीडियोज मिलेंगी और जो सवाल या एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगेगा भाई ये कठिन है वो मैं यहाँ करवा दूंगा, और PDF में आप जो उतार रहे हो उसमें कुछ बच्चों मुझे बताया है कि उसमें दो एग्जाम्पल नहीं है, 19 और 20, 18वें एग्जाम्पल के बाद 21वां एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है, 19वां एग्जाम्पल PDF के अंदर नहीं है और 20वां एग्जाम्पल आधा हो रहा है, तो 19 और 20 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करा के दिखा दूंगा, ठीक है। आप जो PDF में है उसे उतार लें, बाकी हम सब कुछ क्लास में और समझ लेंगे विस्तार से, ठीक है। अभी मैं आपकी यहाँ हेल्प कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। देखिए, दो हमने यहाँ पर लिख लिया है, हमारा एक ही नियम है 3x3 की सारणी का मान ज्ञात करने का। क्या नियम है? चालू -2। देखें आप, इस अवयव के लिए हम इस पंक्ति को हटा देंगे और हमें इस स्तंभ को हटा देंगे, तो जिस अवयव को हम लेते हैं उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं। इस अवयव की पंक्ति को हटा रहे हैं, इस अवयव के स्तंभ को हटा रहे हैं। अब आप देखें आपको क्या दिख रहा है? 3102, इसको भी आता 3102, ठीक है। नेक्स्ट अवयव क्या है? 3। इसके आगे चिन्ह किसका है? प्लस का, तो यहां आप चिन्ह किसका लगा देंगे? प्लस का, 3 का, वही बात सेम है। जिस अवयव को लेंगे उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं, इसकी पंक्ति को हटा देंगे, इसके स्तंभ को हटा देंगे, अब आपको क्या दिख रहा है? 3201, 3201। अब इसमें कुछ नहीं, अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? 2x2 कोटि के सारणी, जो कि आपने अभी सीखे कि 2x2 कोटि के सारणी का मान किस तरह ज्ञात किया जाता है, कि मुख्य विकर्ण के गुणनफल में से पश्च विकर्ण की गुणनफल को घटा देते हैं, इस तरह इसको हल कर देंगे, 3x3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखें आप, 1 हल करेंगे इसको, 4 -1 -2 इसको हल करेंगे, 3 × 6 -0 × 1 0 +3 3 × 1 3 आ जाएगा और 0 का 2 से गुना कराएंगे तो 0, इसको हल कर देते हैं, 4 -1 3 3 × 1 3 आ जाएगा, -2 यहां बच रहा है, 6 -0 6 6 का गुना करा देंगे, -2 से माइनस के 12 आ जाएंगे, 3 -0 3 3 का गुना करा देंगे, 3 से क्या आ जाएगा? प्लस का 9 आ जाएगा, 9 × 3 = 12 -12 कितना आ गया इसका मान? बराबर। तो दोबारा देखें आप, 4 -1 3 3 × 1 3 आ गया, 6 -0 6 6 × 12 -12 आ गया, 3 -0 3 3 × 3 प्लस का 9 आ गया, तो 9 × 3 = 12 -12 ये आपके पास कितना आ जाता है? जीरो। तो इस सारणी का मान क्या प्राप्त हुआ आपको? 0, ठीक है जी। हमने R1 के अनुदिश किया है, किसका अनुदिश किया है? R1। अब आपके पास 5 तरीके बच जाते हैं, कौन से वाले?
अगर आप इसी सारणिक का मान C1 के अनुदिश करते हो, पहले स्तंभ के अनुदिश, C2 मतलब दूसरे स्तंभ के अनुदिश, C3 मतलब तीसरे स्तंभ के अनुदिश, तो भी इसका मान 0 ही प्राप्त होना चाहिए। तो मैं आपको एक वर्क दे देता हूं करने के लिए कि आप इसी सारणिक का मान 5 तरीके से और करोगे। किस तरह? ये तो मैंने आपको करके दिखाई दिया है R1 के अनुदिश। तो चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप R1 लेते हो, फर्स्ट पंक्ति लेते हो, ये वाले चिन्ह काम आएंगे। अगर मान लो आप अब ये वाला स्तंभ काम में लेते हो तो चिन्ह किस तरह काम आएंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस लगाओगे या माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। अब ये कौन कौन से देंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह मान लो आप दूसरे स्तंभ से सारणिक का मान ज्ञात करना चाह रहे हो, सभी तरीके सीख लिया। अगर आप दूसरे स्तंभ से सारणिक का मान ज्ञात करना चाह रहे हो तो आप चिन्ह कौन से लोगे, ये लोगे। तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो चिन्ह की वो कहां से होगी, माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, बाकी आप हल करना पता ही है आपको। तो इस तरह से आप 3x3 कोटि के सारणिक का मान 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये सारणिक आप सॉल्व करोगे बैठ करके और 5 तरीके से और ज्ञात करो, इससे आपका अभ्यास हो जाएगा 3x3 कोटि की सारणिक का मान ज्ञात करने का, और आंसर आपका 0 ही मैच करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, इसमें नेक्स्ट वीडियो हम इसमें आगे पढ़ेंगे उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक के बाद हम पढ़ेंगे इसमें सेखंड, और फिर हम पढ़ेंगे इसमें सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।